हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द वीडियो। जैसे कि आपने लास्ट वीडियो में सीखा हम आर डाउनलोड कैसे करते हैं, इस वीडियो में हम सीखेंगे कि आर का जो इंटरफेस होता है, नॉट आर, आर स्टूडियो टू बी प्रिसाइज, उसका इंटरफेस जो होता है उसको कैसे क्या कहते हैं, किसमें क्या सेव होता है, या फिर हम कहाँ पे कमांड्स लिखते हैं, क्या आउटपुट आते हैं। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल ये हमारा इंटरफेस ऐसा कुछ खुलेगा जब आप फर्स्ट टाइम खोलोगे तो। ओके, सबसे पहले यहाँ पे मेरे पास ये कुछ तो खुला लिखा आ रहा है, अभी इसको इग्नोर करेंगे, ये वर्जन वगैरह गिवन है। इसको कहते हैं कंसोल का पार्ट है, यहाँ देखो कंसोल लिखा है, ये कंसोल का पार्ट है, इसमें आउटपुट्स वगैरह आती हैं इसमें हमारी। आप इसमें भी कमांड लिख सकते हो, वो भी बताता हूँ जस्ट अभी। अभी ये क्या है, यहाँ पे राइट साइड में मेरे पास इन्वायरमेंट है, इन्वायरमेंट इज एम्प्टी बता रहा है, मतलब इन्वायरमेंट कोई भी आप डेटा सब सेव करोगे, लाइक एक्स की वैल्यू आपने 5 रखी 7 रखी, तो वो इसमें आपको दिखाएगी हाँ एक्स की वैल्यू जो मेरी है वो 5 है या 7 है, जो भी आप सेव करो उसके अकॉर्डिंगली। उसके बाद ये पार्ट है प्लॉट एंड पैकेजेस। प्लॉट में क्या है, लाइक कोई भी जैसे आपने कोई ग्राफ प्लॉट किया तो वो यहाँ शो होगा इस पार्ट में। पैकेजेस क्या है, यहाँ पे देखो आप पैकेज पे क्लिक करोगे तो जितने भी पैकेजेस आपके आर में प्री इंस्टॉल्ड हैं, कोई ठीक नहीं लगी वो प्री इंस्टॉल्ड नहीं है, जैसे देखो कोई तो होगी, ये तो ये है, ये प्री इंस्टॉल्ड पैकेज है आर में, मतलब इस वर्जन का वो प्री इंस्टॉल्ड है। अगर आपको और कोई इंस्टॉल करनी है तो आप साथ में उस पर क्लिक करके इंस्टॉल कर सकते हो, जो हम कभी दूसरे वीडियो में बात करेंगे। ओके, सबसे पहले कंसोल क्लियर करते हैं। कंसोल क्लियर करने के लिए मैंने यहाँ पे क्लिक करा, यहाँ डालूंगा मैं कंट्रोल एल, CTRL कंट्रोल विद एल, जो मैक वाले हैं वो वहाँ पे कंट्रोल कमांड एल का फंक्शन आई बिलीव होता है वो यूज करेंगे। ओके, अभी कंसोल में हम क्या लिख सकते हैं, जैसे 2 + 3, इंटर दबाएंगे 4 आ गया आउटपुट, ठीक है। 3 × 3 = 9, टाइम्स के लिए एस्ट्रिक यूज करते हैं। अभी क्या है, यहाँ पे सिर्फ मैंने इंटर दबाया, अभी मेरे को किसी फ्रेंड को या फिर किसी कंपनी को मेरे को ये कोड्स भेजने हैं, तो अगर मैं ऐसे भेजूंगा तो ये जो आउटपुट है ना 9 ये 4 ये भी चले जाएंगे, तो विच इज नॉट गुड, हमें सिर्फ कोड्स भी कोड्स भेजने, इसलिए हम प्रेफर करते हैं लिखना आर स्टूडियो में ओवर GUI, क्योंकि इसमें हम सेपरेट लिख सकते हैं। इसमें क्या होगा, एक कमांड है, एक नया टैब खुलेगा विच इज एडिटर टैब, वो कैसे खुलता है, 3 ऑप्शन है, या तो आप इस पर क्लिक कर लो, ठीक है, न्यू फाइल खुल गई ऐसे। सेकंड ऑप्शन क्या है, फाइल में जाके यहाँ पे न्यू फाइल आर स्क्रिप्ट, ये शॉर्टकट भी है इसका कंट्रोल शिफ्ट एन, अभी हम उसे तो खोलेंगे Ctrl + Shift + N, ये खुल गई मेरे पास, ये विच इज एडिटर, इसको हम एडिटर बोलते हैं, ये मेरा कंसोल है, इसमें एडिटर में लिखूं जैसे यहाँ पे सेम चीज 2 + 2 लिखता हूँ मैं, और यहाँ पे रन करने के लिए ध्यान दो, यहाँ पे जब मुझे रन करना होगा यहाँ डालूंगा मैं Ctrl + Enter, तब भी ये कमांड रन करेगी, अगर मैंने सिर्फ एंटर कर दिया ना ये रन नहीं करेगी, फिर मुझे करना पड़ेगा Ctrl + Enter, अभी तो भाई क्या हुआ 4 आ गया है, ये पहले वाले सेम मैंने बताया क्लिक करते करते हैं कंसोल को Ctrl+L के साथ, कंट्रोल एल कर दिया मैंने वापस से, अभी यहाँ देखो वापस से करते हैं आ गया 4, अभी वो कमांड भेजनी होगी डायरेक्टली, मैं यहाँ से कॉपी करके भेज दूंगा उसको, ये पार्ट 4 वो खुद ब खुद आउटपुट उसके आर उस बंदे के आर में उस कंपनी के आर में निकल जाए। ओके, अभी क्या, अब आते हैं इन्वायरमेंट में, इन्वायरमेंट में क्या सीन है, इन्वायरमेंट पे क्या कोई भी डेटा वैल्यू हम सेव कर देते हैं, लेट्स से हम एक्स ले रहे हैं एक्स लिया, इसको मैं बोल रहा हूँ उसकी वैल्यू है 5, और रन कैसे करेंगे विद Ctrl+Enter, अब यहाँ देखो ये कह रहा है एक्स की वैल्यू क्या होगी 5, अब जैसे मैं एक्स को कॉल करूंगा कभी भी एक्स Ctrl+Enter यहाँ पे आ जाएगी 5, ठीक है सर। तरीका दो में या तो वैसे इक्वल्स यूज कर सकते हो, यहाँ पे डालो चलो वाई लेते हैं वाई, यहाँ पे डालेंगे हम ऑल्ट और माइनस का साइन, ठीक है, यहाँ डालेंगे ऑल्ट प्लस माइनस यूज करेंगे तो ये कुछ ऐसा बन जाएगा हमारे पास। ओके, अब मैं चलो ले लेता हूँ इसकी वैल्यू 5 ले लेता हूँ 5, रन करें इसको Ctrl+Enter के साथ, क्या मेरे पास एक्स की वैल्यू और वाई की वैल्यू दोनों 5 हो गई, ठीक है। अब इसका फायदा क्या होता है वैल्यू सेव करने की, क्या जैसे मेरे को एक्स और वाई को मान लो कोई बड़े नंबर उनको सम करना हो, तो डायरेक्टली मैं क्या करूंगा एक्स सम वाई, रन करा मैंने Ctrl+Enter, अगेन मेरे पास 10, मल्टीप्लाई करना है सेम एक्स, मैं इसको कॉपी कर लिख देता हूँ एक्स मल्टीप्लाई वाई Ctrl+Enter 25, तो आपको वो बड़े बड़े नंबर दोबारा लिखने नहीं पड़ते, इसलिए हम यहाँ पे इन्वायरमेंट का यूज करते हैं, इन्वायरमेंट डेटा सेव करते हैं, आई होप क्लियर होगा। अभी क्या है, इन्वायरमेंट जैसे मान लो यूज होगी मेरी, मुझे क्लियर करना है तो दो तरीके करने के, सबसे पहला कमांड ये है rm list is equals to ls, ये रन करा मैंने तो ये हो गया मेरे पास क्लियर डेटा सबका सब। ओके, अभी क्या दूसरा तरीका भी है, जैसे मान लो फिर से रन करता हूँ मैं इस पार्ट को, ये सेव हो गया। सेकंड तरीका यहाँ पे जो ब्रश दिख रहा है आपको उस पर क्लिक करता हूँ और यहाँ पे यस क्लियर हो गया। अभी अगला आता है प्लॉट, प्लॉट में क्या है, जैसे कोई भी आप ग्राफ वगैरह प्लॉट करते हो तो ये उसके लिए यूज होता है, जैसे एग्जांपल लेता हूँ मैं कमांड आता हूँ प्लॉट, क्या करना है हमें एक्स फॉलोज वाई प्लॉट करते हैं ना, प्लॉट करते हैं एक्स पॉइंट फिर वाई पॉइंट, एग्जाम्पल चलो 4,
8, मतलब x की वैल्यू मेरे 4 है, y की वैल्यू 8 है, रन करा, ये आ गई मेरे पास वैल्यू। अभी क्या है यहाँ पे 4, देखो x 4 है मेरा विच इज, ठीक है सॉरी x मेरा 4 है और y 8 है, तो क्लियर करना हो तो यहाँ पे ब्रश पे यूज करेंगे। आई होप दिस वीडियो इज क्लियर टू एवरीवन, बिल्कुल बेसिक्स है, कैसे किसको क्या बुलाते हैं, एडिटर किसको कहते हैं, कंसोल किसको कहते हैं, एनवायरनमेंट क्या है, पैकेजेस एंड प्लॉट वाला सेक्शन क्या है, ठीक है। और अभी जैसे जैसे आगे वीडियोस आएंगी आई होप और भी क्लियर हो जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।